हेलो हाँ जी, भैया, नमस्कार। मैं धर्म दुबे बोल रहा हूँ, मुंबई से, देसी भारत न्यूज़ चैनल से। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। कैसे हैं धर्म जी? मैं एकदम खुश हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है आज। स्पेशली बहुत बधाई आपको, लाडो फिल्म का ट्रेलर देखा और कभी डरा तो कभी सहमा, कभी थोड़े से इमोशंस भी आए। सबसे पहले तो आप ही बताएं कि ट्रेलर अब रिलीज हो चुका है, मैं देख रहा हूँ, दबाकर व्यूज भी आ रहे हैं। कैसा फील कर रहे हैं, मतलब जो आपने सोचा था वो पाया आपने? एक्चुअली ये कहानी जब मुझे राइटर ने सुनाई थी तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ इस कहानी को सुन करके। और मैंने कहा कि यार, चूंकि मैं हमेशा बेटियों के लिए कुछ ना कुछ करते आया हूँ सिनेमा के माध्यम से, तो जी मैंने कहा यार, ये फिल्म है जो भ्रूण हत्या पर एक परफेक्ट मैसेज है कि भ्रूण हत्या कितना खतरनाक हो सकता है और भ्रूण हत्या से एक मासूम से उस बच्चे को कितनी तकलीफ पहुंच सकती है। एक्चुअली हम लोग भ्रूण हत्या बहुत इजी करवा देते हैं, डॉक्टर को बोल देते हैं यार बच्चा गिरा दो, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है वो लोगों को समझ में नहीं आती कि बच्चे का जो बच्चा अंदर पल रहा होता है उसे कैंची से पीस पीस काटते हैं डॉक्टर और निकालते हैं। जी तो वो एक बड़ा बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट ग्राफिक्स के माध्यम से हम लोगों ने इस फिल्म में दिखाया। अभी तो आपने ट्रेलर देखा है, जी असली मजा तो फिल्म में है। पर मैं बहुत खुश हूं कि मैं इस तरीके की फिल्मों का निर्माण अपनी कंपनी यश कुमार एंटरटेनमेंट द्वारा करता रहता हूं, और आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि सामाजिक मुद्दों को लेकर के और बेटियों को लेकर के भविष्य में भी मैं इस तरीके की फिल्में बनाता रहूं। मैंने ज्यादातर आपको लेकर के वीडियोस बनाए हैं, आपके काम को लेकर वीडियोस बनाए हैं, और कहीं ना कहीं मैंने कई बार अपने वीडियोस में ये भी कहा है कि जिस तरीके से बॉलीवुड में खिलाड़ी अक्षय कुमार काम करते हैं और साल में 6-7 फिल्में लाते हैं, उसी उसी तरह से आपका भी मैं एनर्जेटिक लेवल आपका देख रहा हूं। और इसका परिणाम ये है कि आज जैसे ही आपने ट्रेलर अपना सोशल मीडिया पर डाला, मनोज टाइगर जैसे बड़े बड़े स्टार, बहुत सारे लोग इतना आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके टाइटल्स के लिए, आपकी स्टोरीज के लिए। कैसा लगता है आपके काम की सराहना जब भोजपुरी कलाकारों द्वारा रेगुलर हर वीक मिलती है, तो क्या क्या फील होता है दिमाग में? मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे प्यार करने वाले लोग हैं यहाँ पे, हालांकि जलने वाले उससे ज्यादा हैं, पर मैं जलने वालों से को हमेशा नजरअंदाज करता हूँ। जी मैं बस जो मुझे देख करके खुश होते हैं मैं उन्हें हमेशा साथ लेकर के चलना चाहता हूँ, जी और जो लोग मेरे काम की तारीफ करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि सही मायने में मैं उनसे कहने तो गया नहीं हूँ कि मेरी तारीफ कीजिए, पर वो जी तारीफ करते तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एक सच्चे कलाकार की, एक मेहनती इंसान की तारीफ की है, एक फिल्म की तारीफ की है। जी तो ये बड़ा एक उन लोगों के प्रति रिस्पेक्ट भी दिल में होता है और एक इज्जत भी बनती है, हाँ, और मुझे एक नया जोश मिलता है कि यार यश कुमार आगे भी आपको बेहतरीन करना बिल्कुल। आज इंडस्ट्री में ज्यादातर जितने भी एक्टर हैं अपनी फिल्में लाते हैं या फिर गाना ही लाते हैं, लोग ये उम्मीद है। रखते हैं कि भाई मेरे जो साथी कलाकार हैं, जिनके साथ सालों से काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, जिनके साथ हूँ, वो सपोर्ट करें। आपने कभी अपने एक अंदर से फील नहीं आया कि यार फलाना सुपरस्टार ने, फलाना एक्ट्रेस ने मेरे ट्रेलर को या मुझे कभी पुश नहीं किया, प्रमोट नहीं किया, थोड़ा मैं किसी को भी? सुपरस्टार मानता ही नहीं हूँ। अच्छा, एक्चुअली मेरी नजर में कोई सुपरस्टार नहीं है। जब ओके, आप प्रोड्यूसर को पैसा कमा करके नहीं दे सकते हैं तो सुपरस्टार नहीं है। विगत अच्छा 3 वर्षों में शायद मैं इकलौता एक्टर होऊंगा इंडस्ट्री का जो अपने हर प्रोड्यूसर को 2-4-5 लाख 10 लाख रुपए कमा के दिया होऊंगा, और ये बात थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी पर मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सुपरस्टार से ज्यादा जरूरी है एक अच्छा इंसान बनना। जी तो कहीं ना कहीं मैं उन चीज़ों की कमियां अपनी इंडस्ट्री में पाता हूँ, और यही वजह है कि मैं ना किसी से घुलता मिलता हूँ ना कुछ ना कुछ। पहले मैंने कोशिश की थी लोगों जी से घुलने मिलने की, बातचीत करने की, पर यहाँ का रवैया ही अलग देखा मैंने इस इंडस्ट्री में। आपको सराहना करके आपको बढ़ाने वाले लोग नहीं मिलते हैं, जी आपका पैर खींचने वाले लोग मिलते हैं। मुझे बहुत लोगों ने पैर खींचने की कोशिश की जी और निरंतर करते रहते हैं, पर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता जनार्दन सब देखती है कि कौन क्या मेहनत कर रहा है और कौन कैसा काम कर रहा है। और जी मुझे सपोर्ट मिले ना मिले सुपरस्टार लोगों का, मैंने कहा ना मेरी नजर में कोई सुपरस्टार नहीं है, जी मेरी नजर में काम सुपरस्टार है, जिसकी फिल्में सुपरस्टार हैं, चाहे जी वो कोई भी स्टार हो, उसकी अच्छी फिल्में बनती हैं तो अच्छी फिल्में चलती हैं, कोई चेहरा नहीं चलता है साहब। आज आप जी मिशा द कश्मीर फाइल को देख लीजिए, जी कोई चेहरे नहीं है, कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं उस फिल्म में, जी लेकिन फिल्म ने कामयाबी के वो झंडे गाड़ दिए कि वो 300 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करेगी, 400 करोड़ इंडिया में। जी वहीं बड़े बड़े स्टारों की फिल्में धराशायी हो जा रही हैं, आकर के पड़ जा रही हैं, 10-10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ जाते जाते दम तोड़ दे रही हैं, जी और नॉन स्टारर फिल्म होकर के 300-400 करोड़ रुपए कमा रही हैं। तो सिनेमा चलता है साहब, सुपरस्टार सिनेमा होता है, कोई एक्टर नहीं होता है।
नहीं बिल्कुल, आपके इसी स्टाइल के अंदाज के आपके अलग ही लेवल के फैन फॉलोइंग बन रहे हैं, आपने अलग ही लेवल का मुकाम भी हासिल किया है। स्पेशली अगर कश्मीर फाइल्स की बात करें तो आपने पूरी टीम के साथ प्रमोट भी किया, मैंने मेरे चैनल पर दिखाया भी। सवाल मेरा ये है अच्छा, कि मैं वो नहीं देखा लेकिन मैं पर्सनली इस फिल्म को 2 बार देख चुका हूँ, तीसरी बार कल मैं फिर जा रहा हूँ अपने बाबूजी को लेकर के फिल्म देखने। वाह वो क्या बात। एक दर्द है, एक भावना है उस सिनेमा से जुड़ी हुई है जो बार बार प्रेरित कर रही है देखने के लिए, एंड सबको देखनी चाहिए सब। चलिए ठीक है, हम लाडो की तरफ लौटते हैं। सवाल मेरा ये होगा, लाडो किरदार के लिए आपने अपनी बेटी का चयन ही क्यों किया इस किरदार के लिए? और एक्चुअली लाडो फिल्म लिखते वक्त जब राइटर के साथ इसकी स्क्रीन प्ले पूरी मैंने ही ऑलमोस्ट लिखवाई है, जी और जब मैं इस फिल्म को लिख रहा था, जब मैं सोच रहा था, तो हमको एक 5-6 साल की एक ऐसी बच्ची चाहिए थी जिसकी आंखें बोलती, जी एक ऐसी बच्ची चाहिए थी जो उस रोल के साथ 100% न्याय कर सके, जी बिना बोले बहुत कुछ बोल सके। तो हमने सर्चिंग शुरू की, तो जब हमको कोई जो हमको चाहिए था वैसी कोई लड़की नहीं मिली, तो अचानक से हमने सोचा कि यार दीपक तले अंधेरा वाली बात हो गई है, घर में इतनी प्यारी बच्ची है और हम बाहर ढूंढ रहे हैं पिछले 2 महीनों से। हमने तकरीबन तकरीबन 40 से 50 बच्चियों के फोटो और ऑडिशन देखे थे इस फिल्म के लिए, जी लेकिन हमको कोई नहीं जमा था। तो हमने फाइनली डायरेक्टर सुजीत वर्मा के साथ मिल करके डिस्कशन किया, और सुजीत ने भी मुझसे कहा कि यार यश, इससे अच्छा कुछ ऑप्शन नहीं हो सकता है यार, अपनी लाडो से ही कराएंगे रोल। और हमने लाडो से बात किया, क्योंकि बच्चे होते हैं ना और माँ बाप के साथ में होते हैं तो थोड़ी शरारत ज्यादा करते हैं, हाँ। तो मैं ये डर में था कि पिता के साथ रहेगी तो क्या पता वो काम कर पाएगी कि नहीं। तो फाइनली मैंने बहुत सीरियस मोड पे बात किया, एंड इसमें बहुत बड़ा योगदान निधि जी का भी है, क्योंकि निधि जी नहीं होती तो शायद मतलब लाडो को पूरा रेडी करवाना निधि जी का वो था। अच्छा हाँ, मैं स्क्रिप्ट एडिटर था, मैं बोलता था कि क्या नाम है अपना, आप डायलॉग्स वगैरह याद करा दीजिए, आप बिलीव नहीं करेंगे फिल्म देखते वक्त में, आप देखिएगा 2.5 से 3 पेज का डायलॉग, मेरी बेटी घर में भोजपुरी नहीं बोलती है, वो या तो इंग्लिश बोलती है, हिंदी कभी आप भी मिलेंगे तो वही होगा, लेकिन भोजपुरी के 2.5 से 3 पेज के डायलॉग मेरी लाडो रानी ने बोला है, और 1 टेक में विदाउट कट। तो मैं क्या दैट ऑल बात। क्रेडिट गोज टू निधि जी, और लाडो ने जो किया है। उसके बाद एक चैलेंज और भी आया कि जब हम फिल्म की डबिंग करवा रहे थे, तो होता है ना बच्चे हाँ। एक्टिंग तो कर जाते हैं लेकिन सेम आवाज की डबिंग कर पाना उनके लिए कितना वो है। तो हमने करीबन मुंबई में भी मैंने डायरेक्टर को कहा कि डबिंग आर्टिस्ट ढूंढो, तो जितने भी चाइल्ड डबिंग आर्टिस्ट थे हमने सबको ऑलमोस्ट मुंबई में काम करने वाले सभी डबिंग चाइल्ड आर्टिस्ट को हमने ढूंढा, पर वो आवाज फिट नहीं बैठी। तो मैंने फिर बेटी से अपने बात किया और बहुत मेहनत की, फाइनली हमारी बिटिया रानी का मैं लाया, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि बेस्ट बनकर कह रही है। ट्रेलर में तो आप लोगों ने झलक देख ही लिया है, जी बट सिनेमा ये फिल्म मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ में रिलीज होगी, तो सिनेमा देखने वालों को भी लगेगा कि वाह क्या फिल्म बनाई है। देखिए, इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं चुकूंगा ये कहने से कि भाई ट्रेलर देखने के बाद, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि मिश्रा परिवार में एक और स्टार उत्पन्न हो गया है। ठीक है, अभी कुछ देर पहले मैंने अदिति की माताश्री से बात की है, सुपरस्टार अंजना सिंह जी से बात की है, उन्होंने मुझे एक बात बताई कि भाई धर्म, अदिति मैं तो सेट पे नहीं गई थी लेकिन अदिति की एक खबरें 2-4 मैं सुनती थी, बड़ा हंसती थी। मैंने कहा बताइए जरा, तो कही कि भाई वो सेट पे रहती थी तो डायरेक्टर को डांट देती थी कि जब मेरा सीन नहीं है तो आपने मुझे क्यों बुलाया। मतलब स्टार जो है वो जब से जन्मी है तब से अंदर है, और बड़ा एकदम थुक कुछ अगर आप शेयर करना चाहें। एक्चुअली क्या होता था कि कभी मम्मी के साथ कभी मेरे साथ सेट पे आना जाना उनका हमेशा रहा ही है, तो ऊपर वीडियो भी जी यार आप मेरे पैर में मच्छर काट रहे, मैं काम नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ। तो मैंने कहा बेटा आप ही तो प्रोड्यूसर हो ना आपके पापा की फिल्म में, तो पापा की फिल्म में तो क्या हुआ, मेरे को कोई पैसे दिए हैं क्या पापा ने? मैंने कहा बेटा सारा पैसा तो आपका ही है। हाँ हाँ ठीक है, जब रिलीज होगी तब देना पैसा, लेकिन अभी तो मेरे को मच्छर काट रहे हैं ना। इस तरीके के बड़े फनी माहौल होते थे, और मैं नतमस्तक हूँ अपनी बेटी के आगे इस परफॉर्मेंस के लिए, सच कहूँ तो। अब क्या है आपका सोच, क्या है, क्या अदिति को पढ़ाई में ध्यान देना है या आपका नहीं, खुद प्रोडक्शन है? टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं यही चाहूंगा मेरी बेटी पढ़ लिख करके या तो कोई ऑफिसर बने या कोई डॉक्टर बने। अच्छा, पिता की ये सोच है, बाकी तो खैर बच्चों की अपनी मर्जी होती है, वो जिस फील्ड में जाना चाहें। एक पिता के रूप में मैं हमेशा लाडो के पास खड़ा हूँ।
अच्छा अदिति का रिएक्शन क्या था? आपसे बात हुई होगी ना कि पापा मैंने अरे ट्रेलर देख सुबह सुबह लिया। फोन करके बोली कि पापा पहले ये बताओ आप डरे कि नहीं डरे। मैंने कहा बेटा मैं तो डरा। बोलते डायरेक्टर अंकल डरे कि नहीं। मैंने कहा बात कराया डायरेक्टर अंकल से। डायरेक्टर अंकल डर गए ना, पापा वाह बहुत अच्छी फिल्म बनाए हो आप। थैंक यू बेटा। और बेटी ने बोल दिया बहुत अच्छी। मेरे मुझे दो लोग बहुत अच्छा बताते हैं, जी। एक तो मेरी बेटी इसी समय बताती है, और मेरे पिताजी जो हैं हाँ वो, मेरे पिताजी 70 साल के हैं, अच्छा वो जब भी मेरी कोई फिल्म देखते हैं, अगर नॉर्मल फिल्म देखते हैं तो बोलते हैं बेटा ये तेरी रूटीन फिल्म थी, जी लेकिन जब भी वो कोई चैलेंजिंग फिल्म देखते हैं, जैसे उन्होंने मेरी थोड़ा गुस्सा थोड़ा प्यार देखा था, जी उनके शब्द थे कि क्या हास्य रस पिरोए हो गुरु, मजा आ अरे गया। वाह अरे वाह अरे वाह यही वो शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करते हैं जब भी वार्तालाप होती है उनकी हमारी, तो हाँ शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं वो। तो अभी उन्होंने दंडनायक देखा था, अच्छा दंडनायक देखने के बाद से उन्होंने जो रोते हुए मुझे मैसेज किया था, हाँ बोले कि मुझे गर्व है कि मेरे पास तुम्हारे जैसा बेटा है। क्या एक बात बेटे के है। लिए इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती है। अच्छा ये लक्षण जो पिताजी आपके इतने प्यारी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसका लक्षण आपके भी शब्दों में दिखता है, आपकी शब्दावली में, आपके वाक्यों में भी देखने को मिलता है। एक्चुअली समस्या क्या थी कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा लिखा लड़का हूँ, और छठवीं क्लास में प्राइमरी से जब पास करके छठवीं क्लास में आया तो मैंने वहाँ पे ABCD सीखा था, जबकि आज फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, जी तो हिंदी में थोड़ा सा हमारा हाथ जो है स्टार्टिंग से ही अच्छा रहा, पर अच्छा मुंबई आने के बाद से थोड़ी सी जब मुझे लगा कि नहीं यार ये तो कॉम्पिटिशन वाली जगह है, यहाँ पे इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट है उतनी ही जितनी हिंदी है, हाँ तो मैंने कोशिश की, नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश, बट मैं प्रायोरिटी देता हूँ हिंदी को कि कोई इंटरव्यू हो कोई चीज़ें हो, तो चूंकि हम हिंदी भाषी हैं हाँ और काम करते हैं हम हिंदुस्तान में, और बॉलीवुड में तो बहुत सारे एक्टरों को देखता हूँ कि वो, बच्चन साहब को मोस्टली मैंने इंग्लिश हिंदी में बात करते हुए देखा है, जी और मैं चाहता हूँ कि कभी कोई इंटरव्यू हो तो मुझसे कुछ भोजपुरी में भी बात करे, लेकिन कोई भोजपुरी में बात करता नहीं है, इसलिए अच्छा मुझे भी मजबूरन हिंदी में आना पड़ता है, नहीं तो हम तो चाहे नहीं कि इंटरव्यू हो के तो भोजपुरी में हो। भैया जरूर होए, बस हम इंतजार कर रहे थे कि कोनो दिन आप वीडियो पे आ जाए हमारे साथ हैं ना, तो भोजपुरी में इंटरव्यू हुई। अच्छा मैं बहुत सवाल दो चार और बचे भैया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। अब इस फिल्म में लाडो ट्रेलर में हमने देखा है, दो अहम किरदार हैं, निधि जी कहती हो आपने जो है वो अदिति को लेकर तारीफ की, लेकिन अगर एक्टिंग वाइज देखा जाए, आपने राघव नैयर पर बहुत बड़ा विश्वास जताया है, बहुत बड़ा कैरेक्टर, बहुत बड़ा रोल है वो। मैं एक्चुअली बताऊं, राघव नैयर मेरे से हमेशा मिलता रहता था, बातचीत, भैया आपका काम अच्छा लगता है मुझे, और ये है वो है ऐसा है वैसा है, मुझे आपके जैसा करना है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं काम कर रहा था उन दिनों, तो मुझे एक ये क्या नाम है, लाडो फिल्म के लिए एक चेहरा चाहिए था, जी तो मैंने कहा कि यार मुझे एज अ प्रोड्यूसर लाडो का कहानी इतना अच्छा मिला, मैंने कहा यार इसको करता हूँ, तो फिर मैंने राघव को बुलाया, राघव को बैठ के समझाया मैंने कि यार मेरा किरदार ये है, मैंने तुम्हारी फिल्म देखी है जिसमें मुझे तुम्हारी एक्टिंग यकीनन बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, मैं मुंह पे बोलने वाला आदमी हूँ, जो भी बातें होती है मैंने राघव को कह दिया था कि मुझे एक्टिंग आपकी नहीं पसंद आई थी, आपको डायरेक्टर ने सही नहीं प्रेजेंट किया या आप नहीं कर पाए, वो आपका अपना लुकआउट है। बिल्कुल राघव का एक बहुत ही सरल बच्चा है, उसने मुझसे एक चीज कहा था कि भैया जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा, तो मैंने वो किया। इवन जब मैंने राघव को कास्टिंग की, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये अफवाह उड़ी कि भाई राघव नैयर के फादर ने पैसा दिया है मुझे उसको रिलॉन्च करने के लिए। अच्छा ये अफवाहें भी उड़ी, लेकिन मैंने कहा कि यश कुमार एंटरटेनमेंट आजीवन नए नए लोगों को चांस देगा, यश कुमार एंटरटेनमेंट अपने आप में एक सक्षम बैनर है, यश कुमार एंटरटेनमेंट हमेशा ऐसी फिल्में बनाएगा जो समाज को एक अच्छा मैसेज दे, एक अच्छा मनोरंजन दे, ना कि अश्लीलता। और मैंने अब तक 7 फिल्में प्रोड्यूस की हैं, टच वुड, 5 फिल्में, 6 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, 5 फिल्में, और 5ों फिल्में अब तक सुपरहिट हैं। यश कुमार एंटरटेनमेंट की बनाई पहली फिल्म थी कसम पैदा करने वाली पार्ट 2, उसके बाद मैंने बनाई बेटी नंबर 1, उसके बाद मैंने बनाई थोड़ा गुस्सा थोड़ा प्यार, फिर मैंने बनाई बिटिया शेट्टी माई के पार्ट 2, फिर मैंने बनाई दंडनायक और लाडो, तो लाडो रिलीज होना बाकी है, बाकी ये 5ों फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, जो थिएटर में जो लगी वो थिएटर में भी चली, जो सैटेलाइट पे हमने रिलीज किया थिएटर बंद होने की वजह से, उसने सैटेलाइट पे रेटिंग के अंबार लगाए, चैनल को फायदा दिया, तो ये 5ों फिल्में अब तक जो रिलीज हुई है मेरी वो ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं, और नहीं आगे भी तो मैं ऐसी ही कोशिश करूंगा।
तो दुश्मन भी तो बहुत ज्यादा हो रहे होंगे। अलग ही तरह का आपने अपना मुकाम बनाया है, अलग राह बना रखी है, सैटेलाइट का आप सुपरस्टार हो गए, आपकी फिल्में बिक रही हैं, आपके पास समय नहीं है। और मजे की बात यह है कि मैंने इतने इतने मुहूर्त देखे हैं, इतनी चीजें देखी, लेकिन ट्रेलर नहीं देखा। आप मुहूर्त दिखाते हैं, अगले दिन शूट पे दिखते हैं, अगले दिन आप अपना किरदार रिवील करते हैं, फिर तुरंत ही 2, 5, 10, 20 दिन बाद आपका ट्रेलर, फिल्म। दुश्मन बहुत तो हो गए होंगे, कैसे चल रहे हैं बहुत सरकार? ज्यादा है। और सही मायने में देखिए, मैं तो ये तो सबके अपने अपने दाल रोटी है, सबकी अपनी अपनी वो चीज है, लेकिन शायद मैं पहला एक्टर हूँ जिसकी फिल्में बनती हैं और शाम से रिलीज भी होती हैं। अब तक बिल्कुल। मेरी कोई फिल्म रुकी नहीं है, धड़ाधड़ रिलीज भी होती हैं, और उसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे चैनल को, जी उसका क्रेडिट पूरा क्रेडिट जाता है हमारी ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस अगर प्यार नहीं देती हमारी फिल्मों को, देखती नहीं, तो चैनल क्यों रिलीज करता, क्यों खरीदता हमारी फिल्मों को। तो ये दर्शकों का ही वो है कि दर्शक मुझे बहुत ज्यादा प्यार देते हैं, और मैं बहुत खुश हूं कि यार दर्शक मुझे इस लेवल पे प्यार दे रहे हैं। चलिए ठीक है, जाते जाते एक आखिरी सवाल। अब तो जी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होंगे आप, अब तो बहुत ज्यादा खुश भी होंगे, भाई पूरा परिवार ही आपका स्टार हो गया, बेटी भी स्टार हो गई, आप सुपरस्टार है, ये हैं, निधि जी को देख जी ही रहे हैं, अंजना जी को देख ही रहे हैं, पूरा जी घर है जो है स्टार हो गया है। तो अब कुछ अच्छी वाली फीलिंग आई है, कुछ एनर्जी एनर्जी लेवल बढ़ा है? मैं धर्म जी, जब कुछ नहीं था मेरे पास तभी मैं पॉजिटिव ही रहता था। मुझे पता था कि मेरे कला को एक दिन लोग पहचानेंगे, मेरी चीजों को एक दिन अप्रिशिएट किया जाएगा। थोड़ा वक्त लगा पर मैं खुश हूँ, और बहुत जल्दी निधि जी, हमारी मुन्नी हुई हमारी निधि जी से, और हमारी होने वाली धर्म पत्नी है वो, जी बहुत खुश हूँ। एक अच्छी पार्टनर मिली है हमें, जी और आने वाले दिनों में उनके माध्यम से काफी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। अभी तो यश कुमार एंटरटेनमेंट की भी पूरी जिम्मेदारियां उनके ऊपर आने वाली हैं, वाह क्या तो बात है। अच्छा लगेगा। भोजपुरी दर्शकों को हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। अभी रिसेंटली मैंने 3 नई फिल्मों का मुहूर्त किया है, भैया राजा बजाएगा बाजा, भाई जी बहन की एक ऐसी कहानी मिलेगी लोगों को देखने के लिए जो अभी तक रुपए पर्दे पर आप लोगों ने नहीं अरे देखी है, वो भैया क्या कहानी मैं गजब, दूंगी। साफ सामने होते तो मैं ताली बजा देता, क्योंकि जमाना हो गया मुझे भाई और बहन का, शुद्ध प्यार वाला। तो अभी आपको तक भाई और बहन की एक ऐसी फिल्म दिखाने वाला हूँ, इस साल 2 फिल्में मैं बना रहा हूँ भाई और बहन के ऊपर। जी आप बोलेंगे कि यार भाई और बहन की फिल्म हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। क्या बात क्या और बात। इसके बाद मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, कसम पैदा करने वाली पार्ट 3, वो इसलिए बना रहा हूँ कि पार्ट 2 के एंड में मेरी बेटी ने ना फिल्म खत्म होता है तो बोलती है कि अब आप लोग घर जाइए, अब मिलेंगे पार्ट 3 में। तो हमारी बिटिया रानी के मुंह से वो निकले हुए शब्द को पूरा करने के लिए मैं पार्ट 3 बना रहा हूँ। और एक फिल्म है मैंने लिखी थी काफी पहले, बेवफा, अच्छा लड़की की बेवफाई के ऊपर, तो वो फिल्म बना रहा हूँ, तू बेवफा है। तो ये तीनों फिल्में बड़ी धमाकेदार बनने वाली हैं, जिसकी शूटिंग संभवतः मैं अक्टूबर में शुरू कर रहा हूँ। चलिए भैया कोशिश है जी, भोजपुरी दर्शकों को नया नया चीजें दूं, और बहुत जल्दी आपसे मिल करके रूबरू होकर के इंटरव्यू दिया जाएगा। जी भैया मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। बस अब इतनी सारी खुशखबरी आपने सुनाई, एक आखिरी वाली भी बताते ही जाइए, बिया हुआ कब कर रहे हैं, कौन सा तारीख हो रही, थोड़ा आपके फैंस बहुत वगैरह। जल्दी ब्याह करब हम, बहुत जल्दी 2-4 महीना में हो जाए ब्याह, हवा सबके अच्छा सामने आ जाए पूरा रिपोर्ट। चलो भैया ठीक देखा है। हम कोनो काम छुप छुपा के तो करे नहीं ना, डंका की चोट पर करे नहीं, तो यही हो कमुआ डंके की चोट पर हो। ठीक बहुत बहुत बढ़िया भैया, बहुत है ठीक धन्यवाद भैया, बात है ठीक है, इतना इतना नमस्कार बात करने के नमस्कार लिए, और थैंक यू वेरी मच जी। नमस्कार।